शनिवार की शाम को साहित्य शेक्सपियर सरणी में सुप्रसिद्ध कवि संतन कुमार पांडे द्वारा लिखित मेंढकी से भी प्यार पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वंभर नेवर ने की। इस कार्यक्रम में विशेष गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं इस पुस्तक के संबंध में विश्वंभर नेवर और कवि संतन कुमार पांडे ने क्या कुछ कहा। देखिए, संतन कुमार पांडे जो है वो प्रकृति के कवि हैं। उन्होंने प्रकृति पर कविताएं लिखी हैं, प्रकृति पर बहुत से लेख लिखे हैं, जानवरों पर, पर्यावरण पर। तो ये एक ऐसा विषय है उनका जो प्रायः लोग लेखक उस पर नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार का जो विषय पर बहुत कम लिखा जा रहा है। मेंढकी से प्यार का मतलब होता है कि हमको उस छोटी सी मेंढकी जो है जो पानी के साथ रहती है, टर-टर करती है, उससे भी हमको प्यार, मतलब हमको प्रकृति से प्यार है। आज के समय में जबकि हम प्रकृति को हमारे हाथ से जाती जा रही है, पर्यावरण हमारा ख़त्म होता जा रहा है, इस तरह की कविता का एक दूसरा महत्व भी है कि हमको याद दिलाती है इस बात के कि पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी के सुंदर जीवन के लिए पर्यावरण बहुत जरूरी। जैसे जैसे पर्यावरण खराब हो रहा है, प्रकृति नष्ट हो रही है, आदमी का जीवन भी विपद हो रहा है। कोई भी यदि काव्य संकलन हो और वो पाठकों के बीच में जाए तो एक ये एक संपर्क स्थापित होता है। अच्छा, सच पूछिए, किसी भी रचना का प्रमुख उद्देश्य उसका संप्रेषण होता है, तो ये इसे संप्रेषित करती है रचना। और कोई भी रचना हो, चाहे वो लेख हो, कविता हो, व्यंग हो, कोई भी विधा हो, तो उसमें एक रचनात्मकता रहती है, माने एक एक सकारात्मक सोच है वो, और उस प्रक्रिया की वो निष्पत्ति है। अच्छा, तो मैं वही महसूस करता हूँ।